वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीके सेक्शन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपके सामने आज 22 जुलाई के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करूंगा। ये सभी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आपके यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहें तो इन करंट अफेयर के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या फिर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे जाके क्लिक करके वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है ऑक्सफॉर्म की द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में हर मिनट में कितने लोग भुखमरी के कारण मरते हैं। उसका सही उत्तर है 11 यानी 11 लोग। ऑक्सफॉर्म की द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर मिनट में 11 लोग भुखमरी के कारण मरते हैं। जबकि बात करें पिछले वर्ष की यानी पिछले साल जब भी कोरोना की शुरुआत हुई थी पूरे विश्वभर में अकाल पड़ा था जिसमें हालत में करीब 7 मृत्यु दर में 6 गुना की बढ़ोतरी हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के कारण विश्व में हर एक मिनट में करीब 7 लोगों की जान जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भारत के किस शहर में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने की घोषणा की है। तो इसमें आपका है मथुरा। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने मथुरा शहर में अपनी रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जल्दी बनाने की घोषणा की है। जबकि बात करें इससे पहले ही IOC ने ही पहले प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाले ग्रे हाइड्रोजन उत्पादन परियोजना की ही घोषणा की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के लिए विनय प्रकाश को किस कंपनी ने नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। तो इसका उत्तर ट्विटर वैसे हाल ही में काफ़ी ट्रेंड में रहा है और भारत ने कुछ आईटी नियम चेंजेस करे हैं, उस वजह से ट्विटर भी काफ़ी ट्रेंड में रहा है। काफ़ी कुछ आपने न्यूज़ में सुना ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्विटर कंपनी ने विनय कुमार को भारत के लिए कंपनी का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही विभिन्न मामलों में ट्विटर खातों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर एक मासिक रिपोर्ट भी रखी गई है। नए आईटी नियमों के मुताबिक जो भारत ने हाल ही में नए आईटी नियम लागू करे हैं, नए आईटी नियमों के मुताबिक 50 लाख से अधिक प्रयोगकर्ता वाली सोशल मीडिया कंपनी को 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ करना अनिवार्य है। मतलब कि अगर किसी भी सोशल मीडिया कंपनी में 50 लाख से अधिक प्रयोगकर्ता हैं किसी कंपनी के, तो फिर उनको 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ करनी है, वो कंपलसरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर किस कंपनी ने 10% कर दिया। इसका उत्तर है एशियाई विकास बैंक ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर 10% कर दिया है। जबकि बात करें इसी वर्ष वो मार्च की अंतिम तिमाही में भारत की GDP वृद्धि 6% हुई थी। आज का नेक्स्ट प्रश्न है। प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत सरकार ने कितनी पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसका सही उत्तर है 6 पनडुब्बियों। प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत सरकार ने 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये जो सभी पनडुब्बियाँ हैं ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों से बड़ी होंगी जिन्हें मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में बनाया जा रहा है। इससे पहले सरकार ने पहले ही ये जो कॉन्ट्रैक्ट है पनडुब्बी को बनाने के लिए लार्सन एंड टर्बो एंड मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड को जारी किया था। पनडुब्बी के लिए टेंडर सरकार ने कहा है कि ये दोनों कंपनियां मिलकर ही बनाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 22 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसका सही उत्तर राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस। आज ही के दिन 22 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। बात करें कि आज ही के दिन वर्ष 1947 यानी ईयर 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, 22 जुलाई को
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किनके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया था। याद रखिएगा, आज ही के दिन 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली सभा ने राष्ट्रीय ध्वज, हमारे तिरंगे झंडे को अंगीकृत किया था। और आज और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारा झंडा फहराया था लाल किले पर। ठीक है, चल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीन ने हाल ही में किंगदाओ में कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली हाई स्पीड ट्रेन मैगलेव ट्रेन की शुरुआत की है? इतना 600 किलोमीटर प्रति घंटा। चीन ने हाल ही में किंगदाओ में 600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन की शुरुआत की है। अब इस ट्रेन के शुरू होने से चीन में फायदा ये हुआ है कि जो जिन पर्सन को शेंजेन से संघाई तक की यात्रा करनी पड़ती थी उन्हें 10 घंटे लगते थे, अब ये ट्रेन है ये उसी यात्रा को 5 घंटे में कंप्लीट कर देगी। इस ट्रेन में व्हर्लपूल ब्रेक के लिए चुंबकीय ध्रुवों को विकसित करने के लिए 19 महीने लगे हैं। इस ट्रेन के अंदर सुचारू दूरसंचार सूचित करने के लिए 5G वाईफाई सेवा भी दी गई है और वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। निम्न में से किस देश ने विश्व की सबसे उन्नत मिसाइल रोधी प्रणाली S-500 का सफल प्रशिक्षण किया है? इसका सही उत्तर है आपका रूस। रूस ने हाल ही में विश्व की सबसे उन्नत मिसाइल रोधी प्रणाली S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल प्रशिक्षण किया है। यह मिसाइल प्रणाली, इसकी जो सीमा है वह 600 किलोमीटर तक होने की उम्मीद है। यह मिसाइल प्रणाली है अंतरिक्ष में होने वाले हमले का मुकाबला करने में सक्षम है। इस मिसाइल प्रणाली को वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को ट्राइमफेटर एम और प्रोमेथियस भी कहा जाता है। इस मिसाइल प्रणाली को क्या कहा जाता है? ट्राइमफेटर एम और प्रोमेथियस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्राइमफेटर एम प्रोमेथियस भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये हमारे आज के करंट अफेयर थे। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।